يوتيوب؟ يس يوتيوب. جود جود. لايك سبسكرايب. انا في قناه سالم قناه. نشوف. قول. ارمان حسين. يوتيوب؟ يس ريكوردينج فيديو فور يوتيوب. اوكي. هلا. شو اسمك؟ وين سالم؟ سالم الانجي. انا في قناه. قناه؟ في يوتيوب. ايه هلا. شنو اسمك؟ سالم جاد سوي لايك. ما في مشكلة. سالم جاد اوكي سالم جاد. سالم جاد. شنو سوي انت؟ سوي جيم ولا؟ انا جيم ايوه. جيم؟ وين هذا انت؟ نشوف صورة. يوتيوب. ايه نشوف صورة. ما في تليفون انت شلون يعني هذا؟ تليفون ما وين بيت مال انت؟ لايك. وين بيت مال انت؟ तो गाइस जैसे कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा मैं किसी और कंट्री में आया हूँ जो मैंने रिवील नहीं किया था. फाइनली आई एम रिवीलिंग दिस इज कुवैत और मैं यहाँ पे अपने YouTube जर्नी को एक नेक्स्ट लेवल ले जाने आया हूँ. ग्लोबली बहुत सारी चीज़ें करने वाला हूँ. अब से मेरे जितने भी चैनल्स हैं सब में एक्टिव रहने वाला हूँ. स्पेशली मेरे व्लॉग चैनल पर रेगुलर व्लॉग्स आएंगे. आप लोगों ने बहुत ही कम समय में इस चैनल को 50K पार करा दिए. इसमें रेगुलर व्लॉग्स और शॉर्ट आएंगे. गेमिंग चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग होते रहेंगे. बहुत सारी चीज़ें करने वाला हूँ. आप लोग एंड तक देखना इस व्लॉग को. सो दिस इज़ द बिल्डिंग वेयर आई एम स्टेइंग जहाँ पर मैं रुका हूँ और यहाँ से व्यू आप देख सकते हैं. दिस इज़ द व्यू. आई रियली लव्ड इट. तो पहला दिन है. सबसे पहले हम बहुत ही स्पेशल जगह पे जाने वाले हैं आज. तो आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग वीडियो गेमिंग का जो क्रेज़ है सबसे ज़्यादा है यहाँ पे. मतलब किस लेवल की है आपको देखने को मिलेगा. तो अभी जाते हैं आई थिंक वर्ल्ड्स बिगेस्ट मॉल एवेन्यू मॉल पर यहाँ पे. फाइनली दिस इज़ माई न्यू कैमरा कैनन 700D फोल्डेबल डिस्प्ले टच और ये मेरा फोर्थ कैमरा है. तो 2 साल के अंदर 4 कैमरा ले लिया है और इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा मेरे कैमरा कलेक्शंस पर. ये मेरा 4 नंबर कैमरा है वाला है. 2 कैमरा है यहाँ पे और घर पे 2 कैमरा छोड़ के आए हैं. सो फाइनली हम आ गए हैं वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मॉल एंड कुवैत का सबसे बड़ा मॉल एवेन्यू मॉल पर. जो शुरू तो होता है लेकिन कभी ख़त्म नहीं होता है. आई मीन इस मॉल को अच्छे से एक्सप्लोर करने में बहुत सारे दिन लग जाएंगे. सो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ दिस साइड और लेफ्ट साइड में मूवी थिएटर है. फर्स्ट फ्लोर में आप IMAX 3D में मूवीज़ देख सकते हैं. अभी हम अवतार द वे ऑफ वाटर देखेंगे. तो अभी हम अंदर जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं. तो यहाँ पे कुछ सैमसंग का स्मार्ट वॉचेस एंड स्मार्टफोन्स पड़ा हुआ है. तो थोड़ा बहुत देखते हैं लेकिन आज हमारा मेन फोकस है गेमिंग सेटअप पर. एक हाई एंड प्रोफेशनल गेमिंग सेटअप जो यहाँ पर मैं अपना गेमिंग स्टूडियो शुरू करने वाला हूँ. वहाँ पे जो मेरा सबसे ज़्यादा अनएक्टिव चैनल गेमिंग चैनल को अब ग्रो करने वाला हो. वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस के वजह से नहीं कर पाया. मेरा सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स कम वाला चैनल रह गया वो. लेकिन अब व्लॉग चैनल के साथ साथ गेमिंग चैनल को भी आगे बढ़ाने वाला हूँ. आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहना. और यहाँ पे है हमारा गोल्ड आईफोन जो बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है. दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है लेकिन जब मैंने इसका औकात से बाहर वाला प्राइस देखा तो एक ही बात दिमाग में आया. इस प्राइस में तो मेरा पूरा गेमिंग सेटअप आ जाएगा. तो रहन दो फिर. औकात से बाहर. औकात से बाहर. ये भी औकात से बाहर. अब चलो बाहर. तो गाइस यहाँ पे हमारे पास है नथिंग फ़ोन जिसका बैक साइड का LED बहुत ही बढ़िया लगा मुझे. इसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं कलर्स वगैरह कॉल या म्यूज़िक के साथ बहुत ही अच्छे से कस्टमाइज़ कर सकते हैं. यह बढ़िया लगा मुझे. आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना. तो
तो यह एक iMac जो सीधी भाषा में एप्पल का कंप्यूटर है जो बहुत ही ज्यादा महंगा और हाई एंड भी होते हैं जो बहुत ही अच्छा होता है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। और यहाँ पे मैं आईफोन 14 प्रो किस बैनर के सामने पोज देते हुए 14 प्रो तो नहीं ले पाया तो एक पोज तो बनता है। तो यहाँ पे ये है मैकबुक एयर जो सीधी भाषा में बोल तो एप्पल का लैपटॉप से मैकबुक एयर। तो फाइनली अभी हम जाते हैं हमारा मेन सेक्शन गेमिंग सेक्शन पर जहाँ पे हमें सबसे पहले देखने को मिलता है यहाँ पे प्ले स्टेशन का प्ले स्टेशन 4 प्ले स्टेशन 5 दोनों में होगा गेमिंग कंसोल या कंट्रोलर आई डोंट नो नाम क्या था भूल गई है। ज़्यादा महंगा भी नहीं लेकिन आपके पास पहले से कोई प्ले स्टेशन होना चाहिए PS4 या PS5 होगा तब आप इसे कर सकते हैं वर्क कर सकते हो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है आप वर्चुअली कार रेस कर सकते हैं रियल पूरा रियल एक्सपीरियंस होगा आपको क्लच गियर वगैरह सब हर चीज़ मिलेगा इसमें बहुत ही अच्छा है। ये नेक्स्ट टाइम लेने वाला हूँ अभी हम मेन जाके देखने वाला हमारा गेमिंग PC देखने वाले हैं हम तो वो जाके देखते हैं सबसे पहले तो चलिए। और यहाँ पे कुछ गेमिंग माइक्स है बहुत ही अच्छा रिकॉर्डिंग गेमिंग सब कुछ होगा लेकिन मैंने इंडिया से अच्छे अच्छे माइक्स लेकर आया हूँ गेमिंग रिकॉर्डिंग और व्लॉगिंग के लिए अलग अलग माइक्स लेकर आया हूँ। यहाँ पे ये कीबोर्ड भी काफ़ी अच्छा है लेकिन अभी मेन हम जाते हैं मेन सेक्शन पर। और यहाँ पे कुछ गेमिंग हेडफोन्स है लेकिन फाइनली इस सेक्शन पे आने के बाद आपका एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं फुल HD में गेम प्ले हो रहा है यहाँ पे आप PC देख सकते हैं कितना हाई एंड है। इस बस गेमिंग चेयर का मतलब प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा है 129KD मतलब आप हिसाब लगा लो सिर्फ इस गेमिंग चेयर का प्राइस ही 30,000 से ज़्यादा है तो बाकी सेटअप का प्राइस आप अंदाज़ा लगा लो। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे माइक्स बहुत अच्छे अच्छे PC भी आप बहुत ही LED वाले बहुत ही अच्छे अच्छे PC भी मिल जाएंगे मॉनिटर भी आप हाई एंड HD ग्राफिक्स के साथ आपको मिलेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे। और फाइनली ये मॉनिटर मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा बहुत ही अट्रैक्टिव है कर्व वाला है बहुत ही बड़ा है इसमें गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है लाइव स्ट्रीम करने में भी बहुत ही मज़ा आएगा तो ऐसे एक लेने वाला हूँ बहुत जल्द लेकिन मैंने ऑलरेडी एक मॉनिटर ले लिया है रूम में वो आपको दिखाएंगे बाद में लेकिन बाकी सेटअप भी लेना है अभी तो इसके लिए अब सबसे पहले इस मॉनिटर में थोड़ा एक्सपीरियंस करते हैं यहाँ पे बाद में देखेंगे क्या किया जाए। तो आपको इस सेटअप का प्राइस बताए तो सबसे पहले इस गेमिंग टेबल का प्राइस है 16KD मतलब इंडियन 4,000 से ज़्यादा। फिर ये मॉनिटर का प्राइस है सबसे ज़्यादा मतलब 619 1.5 लाख से भी ज़्यादा इंडियन। फिर ये माइक का प्राइस है 31KD मतलब 8,000 से ज़्यादा। फिर ये गेमिंग चेयर का प्राइस आप देख सकते हैं 299KD मतलब 80,000 इंडियन सिर्फ ये प्राइस सिर्फ ये चेयर का प्राइस। फिर माउस कीबोर्ड का अलग से फिर वो CPU का तो अलग से होगा कम से कम 1.5-2 लाख का होगा। तो हमने मॉनिटर ले लिया सबसे पहले इससे बड़ा मॉनिटर लिया है रूम में है तो हम बाकी चीज़ें अरेंज करना है अभी गेमिंग के लिए गेमिंग स्टूडियो के लिए। और यहाँ पे एक और सेटअप है जो ये CPU काफ़ी अच्छा है RGB LED के साथ साथ ट्रांसपेरेंट भी है और जो ये भी कोई सस्ता सेटअप नहीं है बहुत ही ये भी महंगा है काफ़ी। और वहाँ पे मुझे एक क्यूट गेमर यूट्यूबर मिल गया तो काफ़ी अच्छा लड़का है हमने बात की कुछ देर फिर उसने मेरे चैनल के बारे में पूछा तो उसने एक शाउट आउट भी मांगा तो शाउट आउट टू सलीम जात उसके चैनल को सब्सक्राइब कर देना अच्छा लड़का है। और फिर हमने कुछ देर बात की है तो और ज़्यादा एक्सप्लोर किए उस जगह को। उससे मेरा क्या फायदा हुआ मुझे क्या मिला बताओ उससे मेरा क्या फायदा मुझे क्या मिल रहा है